तालाब में मछली पकड़ रहे थे ग्रामीण, तभी निकली ऐसी चीज की आनन फानन में बुलानी पड़ी पुलिस। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान ग्रामीणों को एक जार मिला। जब इसे खोला गया तो यह किसी रसोई के बर्तन की तरह दिख रहा था। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची तहसील और पुलिस टीम ने खजाने को कब्जे में ले लिया और अब पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी। तालाब में मछली पकड़ रहे थे, मामला घुंघटेर थाना क्षेत्र के सेंदर गांव का है, जहां तालाब में ग्रामीणों ने मछली पकड़ी तो वहां कोहराम मच गया। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई कि तालाब में खजाना निकला है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच घुंघटेरे पुलिस मौके पर पहुंची और बर्तनों सहित सभी गहनों को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। अब इनकी जांच पुरातत्व विभाग की टीम करेगी। इस मामले में एसडीएम फतेहपुर रामनारायण ने कहा कि एक तालाब में चांदी के सिक्के, छाता और तांबे की छड़ जैसी चीजें मिली। पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाकर उनकी जांच की जाएगी। वर्तमान में मटकी को मंदिर के पुजारी के दायरे में रखा गया है। वहीं फतेहपुर अरविंद वर्मा ने बताया कि घुंघरे थाना क्षेत्र के दक्षिणपुरवा गांव सांडेर गांव में तालाब से निकले मौक में कुछ चांदी के सिक्के और अन्य चीजें मिली हैं, जिन्हें मंदिर के पुजारी लल्ला राम को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।